Hello, good morning student. This is Anis Sijo with you, your EVS teacher. Today we are going to our next video classes start now. Okay. कल मैंने आप लोगों को लेसन 3 फूड उसके बारे में फर्स्ट वीडियो मैंने कल आप लोगों को भेजा था, तो आप लोग मैं सोच रही हूँ आप लोगों ने वीडियो देखा होगा. ओके, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट नाउ. वी आर गोइंग टू स्टडी लेसन 3 फूड. कल मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को समझाया है हमारा फूड. फूड यानी खाना है, फूड कहाँ से हमको मिलते हैं और कौन सी फूड है, प्लांट्स प्रोडक्ट्स और रहते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स होता है, फिर वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन, इनके बारे में मैंने कल आप लोगों को वीडियो में समझाया था. ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फूड कैन बी ईटन रो और इन कुक्ड फॉर्म. देखो, हम खाना फूड जो कच्चा खाने वाला फूड होता है और खाना पक्का के खाने वाला फूड होता है. ओके, देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रो फूड. रो फूड मीन्स कच्चा खाने वाला फूड. देखो, सम फूड आइटम्स कैन बी ईटन रो, मतलब विदाउट कुकिंग, कच्चा खाता है जो बिना पक्का के खाने वाला फूड. रॉ फूड इंक्लूड सैलड्स ऑफ वेजिटेबल्स लाइक रेडिश, कैरेट, कुकुम्बर, ओनियन, बीटरूट, टोमाटो, स्पोर्ट्स फ्रूट्स एक्सेट्रा. क्या क्या है जो हम बिना पका के खाने वाला चीज़ है, जो देखो वेजिटेबल्स होते हैं ऑलमोस्ट हम खाते हैं सलाड्स. हाँ, वेजिटेबल की सलाड बना के खाते हैं वो. उसमें क्या क्या सलाड बनाते हैं हम, रेडिश बनाते हैं और कैरेट बनाते हैं और सॉरी कैरेट खाते हैं, रेडिश खाते हैं, कुकुम्बर है, खीरा और ओनियन प्याज है और बीटरूट और टमाटो और स्प्रोट्स और फ्रूट्स, ये सारे चीज़ हम क्या खाते हैं, कच्चा खाते हैं. ओके, और नेक्स्ट कुक्ड फूड हम पक्का के खाते हैं. देखो, मोस्ट फूड आइटम्स आर कुक्ड बिफोर ईटिंग. देखो, कुछ खाने की चीज़ होते हैं हम पक्का के खाना, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा खाना हम कैसे खाते हैं, पक्का के खाते हैं, कुकिंग करके खाते हैं. तो बहुत कम चीज़ होते हैं जो हम कच्चा खाते हैं, मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. हाँ, को देखो मोस्ट फूड, बहुत ज़्यादा अधिकतर फूड हम कैसे खाते हैं, कुकिंग करके खाते हैं. मम्मी खाना बना के देते हैं ना आप लोगों को. ओके, दे कैन नॉट बी ईटन इन द रो फो, वो कैसे नहीं खाते, हम कच्चा नहीं खा सकते. देखो, कुक्ड फूड इंक्लूड्स राइस, चावल, पल्सेस हैं और मीट, फिश, एग्स, ब्रेड और वेजिटेबल्स हास करीज एक्सेट्रा. देखो, चावल है या दाल है या मीट है, फिश है, एग, ब्रेड, वेजिटेबल्स हैंस करीज है, ये सारे चीज़ हम कैसे नहीं खाते, कच्चा नहीं खाते है ना. सब्जी बनाती है मम्मी और रोटी बनाती है, चावल पकाते हैं, दाल बनाते हैं, ऐसे ऐसे सारे चीज़ है. जो नॉन वेज लोग हैं वो फिश है, एग और मीट है, सारा पक्का के खाते, वो कच्चा नहीं खा सकता है. ओके, नेक्स्ट देखो, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग फूड, हम अलग अलग तरीके के खाना पक्का के खाते. देखो, बॉइलिंग है, बॉइलिंग मतलब पानी में उबाल के और बनाते हैं, और बेकिंग और माइक्रोवेव ओवन है. ओवन आप लोग का सबका घर पे होगा, तो अब उधर कैसे खाते हैं, बेकिंग करके और फ्राई करते हैं, और डीप फ्राइडिंग हम बहुत ज़्यादा तेल में डाल के फ्राई करते हैं, और स्टीमिंग है, स्टीमिंग करते हैं, और बॉइल्ड फूड, बेक्ड फूड, फ्राइड फूड, डीप फ्राइड फूड, स्टीमिंग, स्टीम्ड फूड मतलब हम इडली वगैरह बनाते हैं ना, वो स्टीम से बनाते हैं. देखो, ग्रुप ऑफ फूड, वी कैन डिवाइड फूड इनटू थ्री ग्रुप्स, फूड को हम थ्री टाइप्स की डिवाइड करते हैं. बॉडी बिल्डिंग फूड, जो अपना बॉडी बनाने वाला फूड होता है, और एनर्जी गिविंग फूड, जो हमको एनर्जी देते हैं, ऐसे तरीके के फूड होते हैं, और प्रोटेक्टिव फूड, जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे वाला फूड होता है. देखो, उसमें हम देखते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, जो अपना बॉडी बनाने के लिए हम क्या फूड खाते हैं,
देखो फूड विच हेल्प अवर बॉडी टू ग्रो इज नो अस बॉडी बिल्डिंग फूड। देखो जो फूड है हमारा बॉडी को बढ़ने के लिए हेल्प कर देते हैं, वो फूड को हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। एग्जाम्पल ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड जो एग्जाम्पल देते हैं, जो बॉडी बनाने के लिए, अगर बॉडी बढ़ने के लिए हम जो क्या खाना खाना चाहिए, देखो मिल्क, फिश, पल्सेस, एग्स, नट्स, दाल एक्सेट्रा, ये सारे आदि हम क्या करना चाहिए, हमारा बॉडी बनाने के लिए हम खाना चाहिए। नेक्स्ट एनर्जी गिविंग फूड जो हमको एनर्जी देते हैं, ताकत देता है। देखो फूड विच गिव्स अस क्विक एनर्जी इज नॉन अस एनर्जी गिविंग फूड। जो खाना हम खाते हैं हमको क्या है, ताकत मिल जाते हैं, ऐसे फूड को हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। द एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स आर पोटैटोस, जो हमको जो एनर्जी देते हैं वो वाला फूड की नाम है पोटैटोस, आलू, शुगर, चीनी और राइस, चावल, बटर और वीट, गेहूं। रोटीज आर मेड फ्रॉम वीट फ्लोर, रोटी हम किस में बनते हैं, वीट फ्लोर से, गेहूं का आटे से हम बनते हैं, हमको क्या देता है, एनर्जी देता है। देखो नेक्स्ट प्रोटेक्टिव फूड फूड विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस एंड गिव्स अस गुड हेल्थ इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। जो फूड है हमको क्या देते हैं, हमको प्रोटेक्ट करते हैं, किस में से, हमको बीमारियों में से बचाने के लिए, जो बीमार हो जाते हैं उसमें से हमको बचाने के लिए हमको जो फूड हमको हेल्प कर देता है और हमको अच्छा हेल्थ बॉडी, अच्छी बॉडी देते हैं, मतलब बिना बीमारी वाला बॉडी देता है, ऐसे वाला फूड को हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड। द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स आर, जो हमारा फूड आइटम्स, जो खाना हम खाते हैं जो हमारा बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं वो फूड है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने से हमको क्या मिलते हैं, हमारा बॉडी को प्रोटेक्ट मिलते हैं, मतलब हमारा बॉडी को क्या नहीं मिलते, बीमार में से हम बच जाते हैं। जब हम हमारा तबीयत ख़राब हो जाती है हमको बोल देते हैं ऐसे फूड खा लो, ये फ्रूट्स खाओ और हमको वेजिटेबल्स खा लो, है ना, तो इसलिए बोले हमारा बॉडी को प्रोटेक्ट रखने के लिए। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं गुड ईटिंग हैबिट्स, अच्छा खाने का तरीका क्या होता है। देखो फूड इज एसेंशियल फॉर अस टू ग्रो, बट वी शुड फॉलो सम गुड ईटिंग हैबिट्स टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। फूड हमारा बॉडी को बढ़ने के लिए हेल्प कर देता है, लेकिन हम कुछ गुड ईटिंग हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए हमारा बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थ रखने के लिए। देखो ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, हमेशा हम क्या करना चाहिए, खाने से पहले और खाना खाने का बाद में अपना हाथ अच्छा से वॉश करना चाहिए। ओके नेक्स्ट ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड, हम कैसे खाना चाहिए, ख़राब वाना खाना नहीं चाहिए, खाना चाहिए फ्रेश फूड एंड क्लीन फूड। ओके देखो फूड कुक्ड एट होम इन द बेस्ट, जो घर पे बनाने वाला अच्छा खाना हमको खाना चाहिए, मतलब वो बाहर से जो खाना हम खाते हैं ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं, हमेशा हम क्या खाना चाहिए, हमारा घर के खाना खाना चाहिए। देखो वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रॉपरली बिफोर ईटिंग और कुकिंग, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने से पहले और कुक करने से पहले अच्छा से वॉश करना चाहिए। हैव फूड टू रेगुलर इंटरवल्स, खाना खाने का टाइम थोड़ा सा क्या है, देखो हम खाना खाते हैं सुबह ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर, से हमेशा खाना खा के नहीं बैठना, बीच बीच में स्नैक्स ऐसे नहीं करना चाहिए, थोड़ा टाइम छोड़ना चाहिए। ओके और वी शुड स्टार्ट अवर डे विद ए हेल्थी ब्रेकफास्ट, हम हमारा दिन शुरू करते हैं कैसे है, एक हेल्थी ब्रेकफास्ट, अच्छा खाना खा के, च्यू यूर फूड प्रॉपरली, खाना अच्छा से चबा के खाना चाहिए। इंक्लूड लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन यूर डाइट, हम हमारा खाना पसने के लिए हम क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स एंड क्या करना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, और अवॉइड ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। डोंट बाय फूड फ्रॉम स्ट्रीट
वेंडर्स, हम खाना बाहर का खाना बिल्कुल खाना नहीं चाहिए, खरीदना नहीं चाहिए, खरीद के वो नहीं खाना चाहिए। अवॉइड जंक और फास्ट फूड, जंक फूड और फास्ट फूड क्या क्या है, जंक फूड बर्गर है आप लोग है इसे टिक्किया वगैरह ये सारे बाहर से खरीद के खाते हैं, वो ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। और घर पे भी फ्राइड फ्राइड है ज़्यादा तेल में फ्राई करके खाने वाला खाला नहीं करना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए। डोंट ईट स्पॉइल्ड और अनकवर्ड फूड, देखो जो ढक्कन वाला खाना है अगर ढक्के नहीं रखा है वो खुला छोड़ के रखे उसमें मक्की मक्की बैठने वाला खाना नहीं खाना चाहिए, वो ख़राब हो गया ऐसे वाला खाना को नहीं खाना चाहिए। डोंट टॉक व्हाइल ईटिंग, खाना खाने का टाइम हम क्या नहीं करना चाहिए, बात करना नहीं चाहिए, खाना खाने का टाइम चुपचाप बैठ के अपना खाना फिनिश करना चाहिए। ये हमारा गुड ईटिंग हैबिट्स, खाना खाने का टाइम हम कहते हैं टेबल मैनर्स, ओके ये वाला कीप करना चाहिए। तो गुड ईटिंग हैबिट्स हमारा खाना खाने का कुछ हैबिट्स है वो आप लोग फॉलो करना चाहिए। ओके बच्चों यूअर थर्ड लेसन आर कम्प्लीटेड, मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को पीडीएफ भेज दूँगी। ओके ओके बाय, थैंक यू।